यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो तो आज से हम अपना सीए फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सीए फाउंडेशन, अब सबसे पहला आपके माइंड में क्वेश्चन पता क्या आएगा? सबसे पहला आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर कौन से अटेम्प्ट के लिए बात हो रही है, ठीक है। अभी इस समय क्या है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि एग्जाम सितंबर में होगा या दिसंबर में होगा, ठीक है। एग्जाम सितंबर में होगा या दिसंबर में होगा। देखो, इंस्टीट्यूट ने अभी पीछे कोई मीटिंग करी थी तो वहां पर अनाउंसमेंट तो कर दी थी कि हम थ्राइस इन ईयर एग्जाम करेंगे और इसी अटेम्प्ट से हम इसको, इसी ईयर से हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। और जो उन्होंने मंथ्स नोटिफाई करे थे वो यही थे आपके मई, सितंबर एंड जनवरी, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन ये आ रही है कि सर नोटिफाई अभी हुआ तो है नहीं, तो एग्जाम सितंबर में होगा या दिसंबर में होगा। देखो, हाई चांस है एग्जाम सितंबर में ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी इलेक्शन के चक्कर में वेट कर रहे हैं। जैसे ही एक बार इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा तुरंत ये नोटिफिकेशन डाल देंगे और एग्जाम को सितंबर में कंडक्ट कराने की नोटिफिकेशन डाल देंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट की गलती इसमें यह है कि वो लेट कर रहे हैं। अगर उनको सितंबर में करना है तो उनको अभी से अनाउंस कर देना चाहिए। बट मैं सेफर साइड पे आपको यही बोलूंगा कि आप सितंबर ही लेकर चलो कि सितंबर में एग्जाम होगा, इनकेस नहीं हुआ तो दिसंबर तो है ही। तो इसलिए ये जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, ये दोनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, जो सितंबर में एग्जाम देना चाहता है या अगर सितंबर में नहीं हुआ तो दिसंबर में देना चाहता है। देखो, इन केस अगर सितंबर में एग्जाम होता है तो आपके पास टाइम पीरियड है 4 महीने का, 4 में से अप्रैल तो आधा ही चला, आधा बचा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हाफ अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपके पास 4 महीने तो पूरे हैं और आधा आपका अप्रैल है। चलो, अप्रैल को तो मैं अभी काउंट ही नहीं करता, तो आपके पास इफेक्टिवली सितंबर के लिए देखा जाए तो यू हैव 4 मंथ्स, जिसमें आपको कोर्स भी पूरा करना है, रिवीजन भी करनी है, मॉक टेस्ट भी करने हैं, सब चीजें करनी है, ठीक है। तो टाइम सितंबर के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत टाइम है, सितंबर के लिए आपको अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ज्यादा वेट ना करते हुए आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और इनकेस एग्जाम दिसंबर में होता है, इनकेस एग्जाम दिसंबर में होता है तो आप कह सकते हो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने और जुड़ जाएंगे तो आपके पास 7 मंथ्स का टाइम मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। तो सर, अगर दिसंबर में है तो क्या हम अभी पढ़ाई नहीं शुरू कर सकते? अभी शुरू करो, आपको क्या होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा तो आपके पास मल्टीपल टाइम मिलेगा रिवीजन करने का, आप अपने स्कोर को और अच्छा तरीके से कर पाओगे, आपके पास रिवीजन का, सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा रहेगा। और सितंबर में होगा तो आपको थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और कोई फर्क नहीं है। तो एग्जाम चाहे सितंबर में हो, एग्जाम चाहे दिसंबर में हो, आपको वेट ना करते हुए अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। आज होगी 11 तारीख, और मैं कहता हूँ कि और 4-5 दिन और वेट कर लो, लेकिन आपको 15 से 20 के बीच में अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे 12th के एग्जाम देके आए हैं तो थोड़ा घूमने फिरने में लगे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर ले, करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे मेन चीज है, बहुत सारे बच्चे सीयूटी की तैयारी में लगे हुए हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ साथ अगर आपका प्लान है सीए करने का, तो सीए की पढ़ाई भी आपको साथ साथ शुरू कर देनी चाहिए। सितंबर है तो आपको प्रॉपर शुरू करनी पड़ेगी, और अगर दिसंबर रहता है तो भी आपको थोड़ी थोड़ी तो शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी स्पीड भी, अभी तो हमारी स्पीड देखो नॉर्मल रहेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बिल्कुल सितंबर को फोकस करते हुए अपनी स्पीड को प्रॉपर रखेंगे, बढ़ाकर चलेंगे, नहीं। अभी ये महीने तो हमारी स्पीड भी स्लो रहेगी, क्योंकि अभी तो बच्चे आएंगे, अभी इंस्टीट्यूट ने भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दी है। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, मई ऑनवर्ड्स, हमारी क्या रहेगी, प्रॉपर एक स्पीड, जो एक बैच की स्पीड होती है उस स्पीड में हम शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा धीरे धीरे हम चलेंगे, सो दैट बच्चे कनेक्ट होते चले जाए। पॉइंट समझ में आता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन माइंड में क्लियर हो गया, सर एग्जाम सितंबर में होगा या दिसंबर में होगा, कभी भी हो सकता है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको सितंबर के लिए अभी तैयार करके रखना है अपने आपको, क्योंकि सितंबर के लिए आपने अपने आपको तैयार कर लिया अच्छे से, तो दिसंबर में भी होगा तो आप कर दोगे, आपके पास रिवीजन का टाइम प्रॉपर रहेगा। लेकिन पहले से आपकी माइंड में रहेगा कि मेरे को दिसंबर के लिए पढ़ना है, और मान लो नोटिफिकेशन आके सितंबर में हो गया तो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई सितंबर के लिए प्रॉपर तरीके से शुरू करो, ठीक है जी। हाँ जी, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है बेटा, एक बार चैट बॉक्स में हाय हेलो करते रहना, सो दैट मुझे पता लग जाएगा बच्चा ऑनलाइन कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। अब सर, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। सीधा एग्जाम से आपको पढ़ाई नहीं शुरू कराऊंगा, पहले थोड़ा बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है,
ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड में अपना दे देता हूं, माई सेल्फ वरुण जैन, जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते, माई सेल्फ वरुण जैन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, ठीक है। पिछले लगभग 12 साल से, 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 2012 में मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर आप देखोगे बैकग्राउंड तो मैं तो उससे पहले से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ऑफिशियली अगर मैं बोलूंगा तो मैंने 2012 से शुरू किया, तो मेरा एक प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 12 साल का है। और 12 साल से मेरे जो एरियाज पकड़े हुए हैं वो है अकाउंट्स एंड ऑडिट, दो सब्जेक्ट में मैं डील करता हूं, अकाउंट्स में और ऑडिट में, तीनों लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे भी, फाउंडेशन में आपका अकाउंट्स होता है, इंटरमीडिएट में आपका अकाउंट्स भी होता है ऑडिट भी होता है, और फाइनल लेवल पे आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट अगेन दोनों होते हैं, ठीक है। सीए कोर्स के लिए भी एज वेल एज सीएमए कोर्स के लिए भी, दोनों कोर्स के लिए, यानी कि आप कह सकते हो कि सर दोनों में से किसी भी कोर्स में आपको अकाउंट्स और ऑडिट पढ़ना हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। बाकी हमारे पास टीम, हर एक सब्जेक्ट की एक प्रोफेशनल टीम बनी हुई है, ठीक है। आर इंस्टीट्यूट नेम इज बीजेसी ग्लोबल क्लासेस, जहां पर आपको फेस टू फेस, ऑनलाइन, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और एक एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस में, एक्सपर्ट टीम के साथ आपको क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, और जिसमें मेरी मेंटोरशिप आपको साथ साथ मिलती चली जाएगी, मेरी गाइडेंस आपको साथ साथ हर चीज में मिलती चली जाएगी। ओके, ये तो मेरी बात होगी। नाउ अब कोर्स की बात करते हैं। सर सीए का जो कोर्स है, सीए का जो कोर्स है, क्या ये इजी है या टफ है, बताओ। मैं आपसे अगर पूछूं तो आप इस कोर्स को इजी बोलोगे या टफ बोलोगे? सर अभी तो पता ही नहीं, अभी तो हमने को थोड़ी ना पढ़ लिया, हमें क्या पता इजी है या टफ है। सुनने में क्या है, सुनने में क्या है, आपने जहां भी सुना होगा ना, सबने आपको ये बोला होगा कि दिस कोर्स इज टफ, इजी कोई नहीं बोलेगा। बट मैं एक इकलौता बंदा हूं जो कह रहा हूं ये कोर्स इजी है, ये कोर्स इजी है। बट वास्ट बहुत है, मुश्किल नहीं है। जब आप पढ़ने लगोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये मुश्किल चीजें तो है ही नहीं, ये तो सब मैंने पहले की पढ़ रखी है, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा कि कोर्स तो आसान है लेकिन लेंदी बहुत है, कोर्स का कंटेंट बहुत है, बहुत कुछ हमें पढ़ना है। वो बहुत कुछ पढ़ने की वजह से, वो कोर्स कंटेंट लेंदी वास्ट होने की वजह से ये कोर्स में थोड़ा टफनेस आ जाती है, और कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जब पढ़ने लगोगे तो ये बहुत टफ चीजें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीजें पढ़ोगे जो आप अपनी 11th 12th में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। उसी के और एडवांस लेवल को आप पढ़ोगे, फाउंडेशन से आप एक बेस तैयार करोगे, इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ोगे, तो आपको लगेगा तो बहुत आसान, लेकिन जब कोर्स कंटेंट होगा ना तो वो कंटेंट इतना वास्ट होगा कि आपको अपने आप ही क्या होगा, लगेगा कि हाँ वास्ट होने की वजह से टफ है। लेकिन इस प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हो किस तरीके से, इफ यू आर कंसिस्टेंट। अगर आप क्या करो सर, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते चले जाओ तो इस प्रॉब्लम से भी आप क्या कर जाओगे, डील कर जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कंसिस्टेंटली मींस आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। ऐसा मत करना कि सर एग्जाम से 2 महीना पहले पढ़ूंगा, या एग्जाम आएंगे 2-3 महीने बचेंगे तब मैं शुरू करूंगा, अभी तो मैं क्लासेस में जा रहा हूं तो क्लासेस में जो चल रहा है चलता चला जाएगा, लेकिन जो सेल्फ स्टडी है वो एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले पढ़ूंगा, उस अप्रोच से नहीं होगा। मैं कहता हूं कि सर जो 12th वाली, 11th वाली, ग्रेजुएशन वाली अप्रोच होती है वो यहां पर काम नहीं करेगी। 11th 12th में जनरली बच्चा क्या करता है, बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड्स के आसपास जागते हैं, प्री बोर्ड्स तक बच्चे खास नहीं पढ़ते, लेकिन जब प्री बोर्ड्स आ जाते हैं सर पे, और जब प्री बोर्ड्स पे रिजल्ट डाउन आ जाता है, उसके बाद बच्चा जागता है कि यार अब कुछ पढ़ लेना चाहिए। उस अप्रोच से अगर आप यहां पर फाउंडेशन की तैयारी करोगे, पास नहीं होगा। मैं फालतू में आपको ये नहीं बोलूंगा, मीठी मीठी बातें बता दूंगा, तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एग्जाम अगर सितंबर में हो या दिसंबर में हो, मैं एग्जाम से 2-3 महीना पहले उठाऊंगा तो मैं अच्छे नंबर लेकर क्लियर कर जाऊंगा, नहीं होगा, अच्छे नंबर तो नहीं आएंगे। पास अगर मान लो आपका लक अच्छा है तो हो भी गए, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आएंगे, वो पॉइंट पे 400 में से 200 नंबर लेकर पास हो रहे होंगे, उसका कोई कुछ खास फायदा नहीं है, उसके लिए कोचिंग में आना कोई फायदा नहीं है। सही बताऊं तो 400 में से अगर आपका टारगेट ये है कि भाई मुझे तो पास होना है, मुझे तो 200 नंबर दिलवा दो, कोचिंग में आने का फायदा नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फाउंडेशन लेवल पे ना सेल्फ स्टडी प्रेफर करते हैं, क्योंकि सर 11th 12th में पढ़ा है तो हम सोचते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर लेते हैं,
सिलेबस तो मोर और लेस सेम ही है, थोड़ी बहुत चीजें ऐड है वो हम पढ़ लेंगे, यूट्यूब से देख के पढ़ लेंगे या कहीं ना कहीं से देख के कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो काम हो जाएगा, लेकिन कितना होगा कि आप फाउंडेशन पास कर लोगे, कोई गारंटी नहीं आपका बेस पक्का होगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेस पक्का होगा। यूट्यूब पे क्लासेस मैं भी डालता हूँ, सब डालते हैं, लेकिन यूट्यूब वाली जो क्लासेस होती है ना वो आधी अधूरी होती है, वो एक रिवीजन फॉर्म में होती है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप फास्ट ट्रैक रिवीजन फॉर्म में क्लासेस कैसे देख लोगे? तो उस पे कभी भी रिलाय नहीं करना चाहिए। यूट्यूब वाली क्लासेस तब बेनिफिशियल है जब आपने पहले एक बार कोर्स खुद से प्रॉपर डिटेल में पढ़ रखा हो। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, फिर वो रह जाते हैं, फिर वो रिपीट करके आते हैं। तो क्यों रिपीट करके अपने 4-6 महीने खराब करने हैं? बेटर रहेगा एक ही बारी में करो, तरीके से करो, तरीके से करो। या तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं सेल्फ स्टडी डिनाई नहीं करता, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको बहुत टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो, टाइम और एफर्ट लगा दोगे आप, गो फॉर इट। लेकिन सेल्फ स्टडी फिर प्रॉपर तरीके से सोचिए, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। आप ये सोचोगे कि भाई नहीं, स्टडी मैट तो मैं पढ़ नहीं रहा, मैं यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ, उस पर रिलाय करता हूँ, उसके बेसिस पे काम कर जाऊंगा, नहीं होगा, तब बात नहीं बनेगी। आपको इन डेप्थ स्टडी करनी ही पड़ेगी। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ठीक है, तो कोर्स इजी है, लेकिन आपको कंटिन्यूअस स्टडी चाहिए। अप्रोच थोड़ी आपको यहां पर क्या करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी पढ़ाई करने की अप्रोच। आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ना पड़ेगा, आपको एक अपने टाइम की शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सीयूटी भी पढ़ो, सीयूटी की तैयारी करो, सीयूटी भी पढ़ो, लेकिन सीए फाउंडेशन ज्वाइन किया तो सीए फाउंडेशन के लिए भी जब तक सीयूटी के एग्जाम है तब तक तो 2-2, 3-3 घंटा तो डेली पढ़ो, और जब सीयूटी से आप ओवर हो जाओगे फिर अपना टाइम पीरियड सीए फाउंडेशन में बढ़ा देना। ऐसे ही बच्चा मैनेज करता है। ये मत करना कि भाई सीयूटी चल रही है तो उधर तो टाइम दे दिया, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए क्लासेस में आ रहे हो, जा रहे हो, घर पे कुछ नहीं पढ़ रहे, तो जो क्लासेस में आ जा रहे हो ना वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। फिर बैठ के बाद में पता क्या कर रहे होंगे, जो क्लासेस हो गई हैं उनकी बैकअप देख रहे होंगे, दोबारा उनकी वीडियोस देख रहे होंगे, वो वीडियोस देखोगे तब भी तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो बेटर रहेगा जो पढ़ रहे हो उसको साथ साथ करते चले जाओ। अभी तो धीरे धीरे सिलेबस खींचेगा, तो अभी तो आपके पास ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, लेकिन आगे जाकर जब हमारा सिलेबस बढ़ता चला जाएगा तो पुरानी चीजें भी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, तो आपको प्रेशर उस टाइम पे मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन उसकी आदत डालनी पड़ेगी अभी आपको। सोच पा रहे हो? और कुछ भी नहीं है पूरे कोर्स में, इजी है बट वास्ट है, लेंथी है, जिसको आपको कवर अप करना है कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके, डेली बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। नाउ अब आता है सर, पास परसेंटेज क्या होती है सीए फाउंडेशन में? पास परसेंटेज क्या होती है, कुछ आइडिया है? किसने कहीं देखा हो कि फाउंडेशन में इतना परसेंट बच्चा पास होता है? फाउंडेशन इंटर फाइनल, बताओ फाउंडेशन में पास परसेंटेज क्या होती है? 3 लेवल होते हैं सीए में, फाउंडेशन इंटर फाइनल, ठीक है, तो फाउंडेशन में पास परसेंटेज क्या रहती है? 25%, अराउंड 25, यस। कि सर पहले जो होता था ना, पहले रिजल्ट आ जाता था 40-45% फाउंडेशन का, पहले 40-45% फाउंडेशन का रिजल्ट आता था, इंटर में सीधा ही रिड्यूस हो जाता था 10-15% पे। बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते थे कि फाउंडेशन तो पास कर लिया लेकिन बेस क्लियर हुआ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं, इंटर में सीधा रिजल्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इंस्टीट्यूट ने अब इसको थोड़ा प्रॉपर कर दिया, ढंग से कर दिया, ऐसे कि 40-45% का रिजल्ट हटाकर इन्होंने एक ट्रेंड रख लिया कि हम फाउंडेशन लेवल में 25-30% का रिजल्ट देंगे, बाकी इंटर फाइनल में 10-15%। That means you can say कि अगर मान लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अगर 1 लाख बच्चा सीए का फाउंडेशन देने बैठता है तो 1 लाख में से कितना बच्चा क्लियर होगा? इन ऑन एन एवरेज मैंने पकड़ा कि भाई 25,000 बच्चा क्लियर होता है फाउंडेशन में, फाउंडेशन इनका हो गया। अब 25,000 बैठेगा किसमें? इंटर में बैठेगा, ठीक है, तो इंटर में 25,000 का 10% कितना हो गया? 2500 हो गया, ठीक है। फिर वो 2500 बच्चा बैठेगा फाइनल में तो फिर उसका 10% कितना हो गया? 250 हो गया। तो आप कह सकते हो 1 लाख बच्चा सोचता है सीए ज्वाइन करने की, लेकिन बन के कितना निकलता है? 250 बच्चा निकलता है, 1 लाख पे 250। अब सर इसको देख के डरना मत कि ये फिगर्स क्या है, 1 लाख पे 250 तो मेरा नंबर आ जाएगा उसमें? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आपका नंबर 25,000 में भी आएगा, फिर 2500 में भी आएगा, फिर 250 में भी आएगा, अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो।
थोड़ा सा लक भी चलता है, मैं ये नहीं कहता कि भी लक मैटर नहीं करेगा, सारी मेहनत ही है, 80% तो मेहनत है लेकिन 20% लक भी है। कई बार किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि कई बार बच्चा एक नंबर से भी रह जाता है, ये 200 नंबर चाहिए, 199 पे भी बच्चा रुक जाता है, कई बार 198 197 पे भी बच्चा रुक जाता है एक बार, ठीक है, वो तो लक है। मैं ये नहीं कह सकता कि 199 अगर बच्चे के आए तो उसने मेहनत ही नहीं करी होगी, मेहनत तो करी होगी लेकिन लक है, 20% लक है, 80% आपकी मेहनत है। 80% वो है कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करी है, आपकी अप्रोच क्या है, आपका सिस्टमैटिक, आपने किस तरीके से पढ़ाई करी है, 80% वो है, ठीक है। बाकी लक तो बिल्कुल साइड की बात है, पहले मेहनत पे फोकस करो, पहले अपना 80% जो हमारा मेहनत है उसको पकड़ लो ना, लक तो आपके हाथ में ही नहीं है यार, ठीक है। रिस्क तो हर किसी को दुनिया में लेना ही पड़ता है, ठीक है, ओके। तो क्या बताया मैंने आपको, पासिंग परसेंटेज फाउंडेशन में 25 से 30%, इंटर में 10 से 15%, फाइनल में 10 से 15%, बट आप इन तीनों लेवल पे पहुंच सकते हो अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ाई करोगे तो। नाउ स्ट्रक्चर क्या है सीए कोर्स का, स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, आप सबको पता है कि अब तो आईसीए का न्यू कोर्स आ चुका है, ठीक है, हम जो भी बात कर रहे हैं यहां पर, हम जो भी यहां पर बात कर रहे हैं वो एज पर क्या कर रहे हैं, न्यू सिलेबस, एज पर न्यू सिलेबस, आईसीएआई का जो नया सिलेबस आया हुआ है उस न्यू सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बातें बता रहा हूं, क्योंकि अब पुराना तो खत्म, अब न्यू सिलेबस है जिसका अभी पहला जून में अटेम्प्ट होने वाला है, न्यू सिलेबस का अभी पहला फर्स्ट अटेम्प्ट जून 24 में होने वाला है, तो हम उस हिसाब से न्यू सिलेबस के हिसाब से बातें कर रहे हैं, ठीक है। तीन लेवल्स हैं, तीन लेवल्स हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ठीक है। पहला लेवल है फाउंडेशन, फाउंडेशन लेवल पे अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन में आपके पास चार सब्जेक्ट्स हैं, चार सब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्टिव हैं, अकाउंट्स एंड लॉ, अकाउंट्स एंड लॉ का जो पेपर है वो है आपका सब्जेक्टिव, और दो आपके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ये दो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। अकाउंट्स लॉ सब्जेक्टिव है जिसमें आपको लिखना है, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, लिखना है, और दो ऑब्जेक्टिव है मैथ्स एंड इको जिसमें आपको चार में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एमसीक्यूज, ठीक है। इन दो ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अभी रूल क्या है वो बताता हूं आपको, इन दो में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर उसके बाद आता है अगली स्टेज, जब आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो तो आपको 8 मंथ्स का स्टडी गैप देना होता है, और आप किस में पहुंच जाते हो, इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, हर एक ग्रुप में तीन तीन सब्जेक्ट्स हैं, डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, हर एक सब्जेक्ट में आपका 30% एमसीक्यू पोर्शन भी इन्होंने अब इंसर्ट कर दिया। इंटर लेवल से आपका हर सब्जेक्ट में, चाहे वो अकाउंट्स हो, लॉ हो, कॉस्टिंग हो, टैक्स हो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब में 30% एमसीक्यूज हैं, बट मजे की बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ पा रहे हो, ठीक है। इंटर क्लियर हुआ, अब इंटर क्लियर करने के बाद दोनों ग्रुप्स जब आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले फाइनल में बैठने से पहले 2 ईयर्स की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, 2 ईयर्स की क्या करनी पड़ती है, 2 साल की आपको आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप करनी पड़ती है। सर कहां पर होती है इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप, किसी सीए फर्म के अंदर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म होती हैं उनके अंदर। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा, मैं हमेशा बोलूंगा कि गो फॉर अच्छी फर्म्स लाइक बिग फोर्स, नहीं अगर बिग फोर में हो पाता एटलीस्ट टॉप 20 में तो जाना ही जाना, ऑल ओवर इंडिया बिग फोर फर्म्स हैं। किसी को नाम पता है बिग फोर के, केपीएमजी, ठीक है, ये चार बिग फोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये टॉप 4 कंसल्टिंग फर्म है, वर्ल्ड वाइड चलती है। कौन कौन सी, डिलॉयट, ईवाई, केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी, ठीक है। कौन सी फर्म किस नंबर पे है वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये टॉप 4 में आती है, डिलॉयट, ईवाई, केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी। पहली प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि सर मेरी आर्टिकलशिप इनमें लग जाए, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वो थोड़ा सा रैंक वालों को ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं,
एक अटेम्प्ट में अगर क्लियर हो जाता है उसको प्रेफर कर लेते हैं, अच्छे नंबर से क्लियर होता है उसको प्रेफर करते हैं, प्लस आपका बेस कितना स्ट्रांग है, आपके कॉन्सेप्ट कितने पक्के हैं उसको भी प्रेफर करते हैं। तो आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मुझे किस में जाना है, मुझे बिग फोर में जाना है। बिग फोर में हर किसी का नहीं होगा, सही बताऊं तो बिग फोर में अगर नहीं होता तो उसके बाद टॉप 20 फर्म्स भी हैं, तो उनमें जाओ, उनमें आर्टिकलशिप करो, ठीक है। तो गो फॉर बिग फोर एल्स टॉप 20। और अगर मान लो इनमें भी नहीं होता, वैसे तो कोशिश करना इनमें हो ही जाना चाहिए, इनमें भी नहीं होता तो फिर बहुत सारी फर्म से कहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी है, आर्टिकलशिप करनी है, आपको सीखना है काम क्या होता है एक्चुअली, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम क्या है, वो काम सीखना है आपको, ठीक है। आर्टिकलशिप कर ली, अब आर्टिकलशिप के बाद इन्होंने बोला है कि 6 मंथ का गैप रखना आपको। पहले आर्टिकलशिप ना 3-3 साल की होती थी, अब इन्होंने टाइम पीरियड रिड्यूस करके कितना कर दिया इसका, 2 साल कर दिया। 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद अब आपको 6 महीने का क्या चाहिए, 6 महीने का गैप बोलता है इंस्टीट्यूट कि 6 महीने का गैप रखो और देन गो फॉर फाइनल एग्जाम्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जाम्स, जिसमें अगेन आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, अगेन वही 30% एमसीक्यूज, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका टाइम पीरियड होता है इंटर और फाइनल के बाद का, जो आपका 2 साल और 6 महीने का गैप, 2.5 साल का जो टाइम पीरियड है, इस 2.5 साल के अंदर अंदर, इस 2.5 साल के अंदर अंदर आपको कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से आईटी ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है, कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह ये सब चीजें अटेंड करनी होती है, प्लस इसमें आपको ना 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन एग्जाम भी क्रैक करने होते हैं। सर ये क्या होते हैं, इसमें ना 4 सब्जेक्ट्स इन्होंने ऐड करे हुए हैं, जिसमें एक लॉ आता है, एक कॉस्टिंग आता है और आपके 2 अपनी पसंद की फील्ड के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये 4 पेपर आपको खुद से क्रैक करने होंगे इन 2.5 साल के अंदर अंदर, इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, घर बैठे आपको एग्जाम देना, कहीं कुछ नहीं जाना। सबसे मजे की बात है, जब तैयार हो तब आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, जब आपकी तैयारी हो जाए तब आप एग्जाम के लिए लॉग इन करके एग्जाम दे सकते हो। 50% मार्क्स इनमें चाहिए होता है, घर बैठ के देना है, ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है। लेकिन ओपन बुक ये नहीं कि बहुत सिंपल एग्जाम होगा, उसके लिए आपका वो सब कुछ टेस्ट करेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली जो आप काम करते हो वो नॉलेज बहुत काम आती है, ठीक है। ये सब चीजें करनी होती है। एक आर्टिकलशिप असेसमेंट टेस्ट होता है, ये भी आपको क्रैक करना होता है। ये छोटी छोटी चीजें इन्होंने 2.5 साल के अंदर अंदर रखी हुई हैं। ये सब क्लियर होने के बाद, ये सब जब आप कर लोगे तो फिर आप फाइनल के लिए एलिजिबल बन जाते हो। बात समझ में आती है। ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, थोड़ा पता लगा कोर्स के बारे में क्या है, किस तरीके से चलता है, ठीक है। अभी हम कौन से लेवल पे हैं, अभी हम बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल की बात कर रहे हैं, दैट इज योर फाउंडेशन लेवल। तो अभी जितनी भी बातें हमारी होंगी वो किसकी होंगी, फाउंडेशन के बारे में बात होगी। अभी आप मुझसे इंटर फाइनल आर्टिकलशिप के बारे में ज्यादा मत पूछना, अभी हम बात करेंगे सिर्फ फाउंडेशन की। जब आप इंटरमीडिएट में आओगे तो इंटर की बातें करेंगे, फिर फाइनल में आओगे तो फिर उस टाइम पे इंटर्नशिप और फाइनल की भी बातें करेंगे, तब तक आपको खुद भी बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारी बात किसकी होगी, सिर्फ फाउंडेशन लेवल की बात होगी। अब मैं आता हूं फाउंडेशन पे, फाउंडेशन पे। सर क्या अभी हमें कुछ लिखना है, अभी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनते चले जाओ, अभी सिर्फ सुनते चले जाओ, ठीक है। कुछ नहीं लिखना, सब कुछ सुनो सिर्फ, ठीक है। फाउंडेशन, फाउंडेशन में अगर मैं बात करूं तो आपके पास 4 पेपर्स हैं, 4 पेपर्स हैं। पेपर नंबर 1 इज योर अकाउंटिंग, पेपर नंबर 1 इज योर अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2, अब प्रॉपर नाम लिख रहा हूं मैं आपका, पेपर नंबर 2 का नाम पता है किसी को, बिजनेस लॉ। पहले इसमें ना एक इंग्लिश का पोर्शन भी होता था, वो खत्म हो गया, बिजनेस लॉस। पेपर नंबर 3 इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपके पास मैथ्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 चीज आती है। खाली मैथ्स मैथ्स नहीं है इसमें, मैथ्स भी है, स्टैट्स भी है और लॉजिकल रीजनिंग भी है, ठीक है। जिस पेपर का नाम क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। पेपर नंबर 4 हो गया आपका क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, ओके। फैकल्टी कौन कौन है, देखो अकाउंट्स मैं खुद ही डील करता हूं, अकाउंट्स मैं खुद ही डील करता हूं, माई सेल्फ सीए वरुण जैन,
लॉ के लिए जो हमारे पास टीचर हैं, बड़े एक्सपर्ट टीचर हैं, सीएस रमनदीप सिंह सर, मैथ्स के लिए अगेन एक्सपर्ट टीचर प्रोफेसर विशाल शर्मा सर, और इकोनॉमिक्स के लिए वी हैव प्रोफेसर ऋषि राज सर। ठीक है, ये हमारी टीम है, ये हमारी एक्सपर्ट टीम है। दिस इज आवर टीम। चारों फैकल्टी अपने एरिया में मास्टरी है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि एक ही टीचर है वो कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, उसमें दिक्कत हो जाती है, उसमें पता ही नहीं लगता है कि कौन सा टीचर किसी चीज में मास्टरी करता है। ठीक है भाई, एक बंदा एक या दो चीजें से ऊपर मास्टरी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, हालांकि मैं सब, अगर आप मेरे से बोलोगे मैं लॉ पढ़ा सकता हूँ, मैं लॉ भी पढ़ा सकता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स नहीं पढ़ा सकता मैं अकाउंट्स भी पढ़ा सकता हूँ, लॉ भी पढ़ा सकता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, टैक्स भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरी मास्टरी नहीं है भाई, लॉ में नहीं है, टैक्स में नहीं है। तो अगर मैं आपको पढ़ा भी दूंगा तो वो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। मेरी मास्टरी किस में? अकाउंट्स में और ऑडिट में। उसके मुझसे जो मर्जी सवाल पूछो, जब मर्जी पूछो, मेरे पास हमेशा तुरंत आंसर है। लेकिन लॉ और टैक्स से अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे, आंसर उसका भी दूंगा लेकिन खुद ही सोच कर दूंगा। तो अगर ऐसा सोचकर आंसर देना पड़ रहा है तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है ना उसमें। फिर तो बेटर रहेगा वहां पढ़ो जहां पर आपको एक एक्सपर्ट टीम मिलती हो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर आपको ऐसी नॉलेज नहीं चाहिए कि आपको बस निकलना है, नहीं, आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, तभी आप इस प्रोफेशनल कोर्स में घुसे हो। दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। आप जो पढ़ रहे हो ना, आप ये समझो, आप जो पढ़ रहे हो वो फुल एंड फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं है। सीए बन जाओगे उसके बाद थोड़ी ना पढ़ोगे कुछ, उसके बाद अगर पढ़ भी लोगे तो किसी की हेल्प लेके नहीं पढ़ोगे, खुद अपना सेल्फ कर रहे हो। पढ़ना तो आपको पूरी जिंदगी पड़ेगा इस कोर्स में, क्योंकि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन वहां पर आपको कोई कोचिंग या किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर आपको सीखना है हमारे साथ, आपको क्या सीखना है, कोर्स तो करना ही करना है, प्लस आपको ये सीखना है कि सर पढ़ना कैसे है, प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ना कैसे होता है, वो बहुत जरूरी है सीखना। उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीम है जो अपने अपनी एरिया में, अपनी फील्ड में मास्टरी रखती है। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, अगर मैं बात करूं सब, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एक सेकंड, पासिंग क्राइटेरिया क्या है सर, आपका हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, तो यानी कि टोटल आपका कितने मार्क्स का हो गया, पूरा सीए फाउंडेशन 400 मार्क्स का हो गया। पहली चीज तो आपको 400 में से एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए, 200 नंबर चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर होता है कि चारों का टोटल मिलाकर आपका 200 होना चाहिए। ठीक है, प्लस ईच सब्जेक्ट यू हैव टू स्कोर 40% मार्क्स एटलीस्ट। हर एक सब्जेक्ट में आपका 40% स्कोर भी होना जरूरी है, तभी आप पास माने जाओगे। अब मैं आपके सामने कुछ सिनेरियो बनाता हूं। एक है स्टूडेंट ए, इसके अकाउंट्स में आए 67, लॉ में आए 55, मैथ्स में आए 35 और इकोनॉमिक्स में आए 60। इसका टोटल बताओ कितना है, इसका अगर आप टोटल करते हो, इसका आप टोटल करते हो तो ये बनता है आपका 217। क्या ये पास है? नो, ही इज फेल्ड, ये फेल हो गया बेचारा। क्यों फेल हो गया? फेल इसलिए हो गया क्योंकि ये फंस गया कहां पर, मैथ्स में। आपको इन एग्रीगेट 50 चाहिए लेकिन हर एक पेपर में 40% भी मार्क्स चाहिए, तो ये पास नहीं हुआ। अब सर क्या उसे मैथ्स देना पड़ेगा? नहीं, चारों पेपर देने पड़े, ये एक पंगा है। अगर एक में भी रह जाता है तो आपको अगले अटेम्प्ट में सारे ही पेपर देने हैं। फाउंडेशन लेवल पे कोई एग्जेम्पशन काम नहीं करती, एक एग्जेम्पशन रूल भी लगता है लेकिन वो इंटर लेवल से लगता है, मतलब आपके कितने भी नंबर आ रहे हो, जब तक आप सब में पास नहीं हो तब तक आप क्लियर नहीं माने जाओगे, आपको सारे ही पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। समझ गए? एक है स्टूडेंट बी,
बी के नंबर देखो, 45 अकाउंट्स, 48 लॉ, 42 मैथ्स, 50 इकोनॉमिक्स, ये इसके मार्क्स है। 45, 48, 42, 50, इसका टोटल देखो कितना है, इसका है 185। क्या ये पास हुआ? ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि सर पास तो सब में है लेकिन एग्रीगेट 200 नहीं है, एग्रीगेट 200 नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट 200 चाहिए। अब सर अगर एक भी पेपर में रह गए, फेल नहीं हुए, मतलब फेल अगर हो गया ना कोई बच्चा, तो उसको अगले टाइम में सारे पेपर दोबारा देने हैं फाउंडेशन लेवल पे। क्या इतनी बातें क्लियर आपको? पासिंग क्राइटेरिया समझ में आता है? ठीक है। अब सर क्वेश्चन आता है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए, एक बच्चा ना टारगेट बनाना चाहिए आप लोगों को कि हमारा टारगेट, अगर आप कोचिंग लगा रहे हो, देखो आप कोचिंग लगा रहे हो, आप 25-30 हजार रुपए खर्च कर रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूंगा ना कि अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा ढंग के नंबर तो लाओ। अगर आपको 200 नंबर लेके पास होना है तो आप क्यों माँ बाप के 25-30 हजार रुपए खर्च कर रहे हो भाई? आपका टारगेट यहां पर क्या होना चाहिए? टारगेट शुड बी 300 प्लस, कि मेरे को 400 में से 300 प्लस लेके आना है। 350 प्लस लाओगे तो और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर, बहुत टॉप का स्कोर माना जाता है। इंस्टीट्यूट की तरफ से भी रिवॉर्ड मिलता है, हम अपनी तरफ से भी रिवॉर्ड देते हैं। 300 प्लस में भी स्कोर अच्छा माना जाता है, 300 प्लस में हम तो रिवॉर्ड देते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं देता लेकिन हम भी रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है। अब ये 350 लाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको स्कोर अच्छा चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि चारों में से कोई भी दो पेपर ऐसे पकड़ लेना जिसमें आपका स्कोर 85-90 प्लस आना चाहिए। कोई भी दो पेपर ऐसे होने चाहिए जिसमें आपका स्कोर 85 से 90 प्लस आना चाहिए। अब वो पेपर कौन से हो सकते हैं? अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ये दो पेपर ऐसे हैं जिसको आप टारगेट कर लो कि मेरे को इनमें 85 प्लस 90 प्लस मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। सर यही दो क्यों? देखो, अगर आप सीए कोर्स में आए हो, तो आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में होना जरूरी है। देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूं, अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में नहीं है तो ये कोर्स आपके काम का नहीं होगा, फिर कोई और कोर्स ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है मेरे को अकाउंट्स नहीं पसंद, अकाउंट्स कम पसंद है, फिर ये कोर्स नहीं है आपके लिए, क्योंकि इस कोर्स में अकाउंटिंग का ही तो मेन रोल है, सारी चीजें अकाउंटिंग पे तो डिपेंडेंट है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो अकाउंट्स में बहुत जरूरी है, और अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आप इस पेपर को अच्छा स्कोर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स बीइंग एन इजी सब्जेक्ट, थोड़ा आसान रहता है बच्चों के लिए, प्लस एमसीक्यूज भी है, कोई लिखनी नहीं होती चीजें बातें, जनरल पेपर माना जाता है, तो बच्चा उसमें भी स्कोर कर जाता है 85-90 मार्क्स। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर लॉ में नंबर नहीं आते, मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्स में नंबर नहीं आते। अभी पिछले अटेम्प्ट में मैथ्स में हमारे इंस्टीट्यूट से 90-90 प्लस भी मार्क्स आए हैं, लेकिन मैथ्स का पेपर बहुत आसान था इस वजह से नंबर आ गए। लेकिन हर बार आसान नहीं आता, कई बार ट्रिकी भी आता है मैथ्स का पेपर। ठीक है। तो आपका मैथ्स और लॉ में स्कोर एज कंपेयर टू अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स थोड़ा कम ही माना जाता है, क्योंकि देखो लॉ, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको आज से पहले तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था कि लॉ होता क्या है। तो लॉ पहली बार पढ़ रहे हो तो आप चीजें पढ़ोगे, समझोगे, याद करोगे, रिटेन करोगे, फिर लिखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तो बच्चा वो 80-85 प्लस मार्क्स लॉ में स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बच्चा ये कहता है कि भाई मेरे अगर अकाउंट्स और इको में 85-80 प्लस मार्क्स आ जाए और इन दोनों पेपर में मेरे 50-60 नंबर भी आएंगे ना, 50-60-70 नंबर भी आएंगे, तब भी मेरा काम बन जाएगा, तब भी मैं 300 प्लस का मार्क क्रॉस कर दूंगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो लॉ और मैथ्स, देखो मैथ्स क्या है, मैथ्स एक ऐसा एरिया है जो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा। क्यों दिक्कत क्रिएट करेगा? कई बच्चों को तो इंटरेस्ट ही नहीं होता। अच्छा, मैथ्स का रोल सिर्फ फाउंडेशन लेवल का है, आगे इंटर फाइनल में मैथ्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स तो आपकी चलो चलती चली जाएगी, लेकिन ऐसा प्रॉपर मैथमेटिक्स आपके आगे कहीं किसी काम की नहीं है। ठीक है। तो मैथ्स एक बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल एरिया है, कम इंटरेस्ट आता है बच्चों को। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, नॉन मैथ्स वाले भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स स्ट्रीम के भी होते हैं, तो नॉन मैथ्स स्ट्रीम वालों बच्चों के लिए भी मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया बनता है। लेकिन यहां पर जो मैथ्स है ना फाउंडेशन लेवल पे, तो ऐसा आपको कोई 11-12 वाला मैथ्स नहीं है। आप लोगों के पास 11-12 मैथ्स था? तो 11-12 वाला मैथ्स नहीं है। तो जिसके पास 11-12 में मैथ्स नहीं भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर 80% जो मैथमेटिक्स है वो आपका 10th तक का है।
80 ना भी बोल के चलो 70% भी बोलूं कि 70% जो मैथ्स है वो 10th तक का है, 30% ये जो आपका थोड़ा 11th 12th वाला है। तो जिसके पास नहीं होता 11th 12th मैथ्स उसको थोड़ा 30% के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बाकी 70% तो 10th तक का है जो सब बच्चे कर लेते हैं। और ये पेपर ऐसे हैं नेगेटिव मार्किंग है तो आपको रिस्क लेना ही नहीं इन पेपर में, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो यू कैन अवॉइड दैट क्वेश्चन। अच्छा नेगेटिव मार्किंग का रूल बता देता हूं, नेगेटिव मार्किंग का रूल कैसे क्या रहता है, -0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, हर गलत आंसर पे आपका एडिशनल 0.25 मार्क्स कटेगा। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 1.25 मार्क्स कटेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है ना तो उस पे कितने मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, एक नंबर तो वो गलत हो ही गया और 0.25 एडिशनल तो यानी कि 1.25 मार्क्स गलत होंगे। दैट मींस अगर आपके चार क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो आपके टोटल 5 मार्क्स कट जाएंगे, अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके 12.5 मार्क्स कटेंगे। ऐसे करते करते दिक्कत क्रिएट हो जाएगी ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए तो। अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके 25 नंबर उड़ गए, तो अपने आप में दिक्कत है भाई। तो बेटर रहता है अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, रिस्क तुक्के नहीं मार के आने, यहां पर छोड़ना बेटर रहेगा। ठीक है, बोलो जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्या क्राइटेरिया रहेगा, पासिंग वगैरह क्या रहेगा, किस तरीके से हम स्कोर कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी बता दिया। ओके, अब हम आते हैं अपना। अच्छा आपने सर आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराया होगा या कराने वाले होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। आईसीआई के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता देता हूं। अच्छा कोई बच्चा ऐसा हो जो इस समय जून अटेम्प्ट का हो, जून अटेम्प्ट का स्टूडेंट हो जो वीडियो देख रहा हो, तो जून अटेम्प्ट के लिए हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप उसको रिकॉर्डेड मोड पे ले लो, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि जून में अब टाइम नहीं रहा। जून में आपके पास अप्रैल खत्म हो गया, आपका मई का मंथ बचा है, जून में तो एग्जाम ही है, तो आप अभी से अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लेते हो और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे करते हो, थोड़ा गाइडेंस ले लोगे कि पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, तो भी आपका काम बन जाएगा। उसकी रिकॉर्डेड के लिए नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करने की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको आईसीआई की वेबसाइट पे जाना है। मैं साथ साथ आपको वेबसाइट भी दिखाता हूं। ये आईसीआई की वेबसाइट है, ठीक है, ये आईसीआई की वेबसाइट है, आपको वेबसाइट में जाना है और आपको ई सर्विसेज में जाना है। वेबसाइट में ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना ई सर्विसेज, ई सर्विसेज में जाओगे, ई सर्विसेज में जब आप जाओगे स्टूडेंट सर्विसेज में जाओ, स्टूडेंट सर्विसेज में जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा एंट्री लेवल फॉर्म्स, दिख रहा है ये एंट्री लेवल फॉर्म्स, फाउंडेशन इंटरमीडिएट डायरेक्ट, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ना एक पोर्टल खुल जाएगा। ये पोर्टल है आईसीआई का सेल्फ सर्विस पोर्टल, एसएसपी पोर्टल जिसे हम बोलते हैं। बस इस पोर्टल पे जाओ, अपनी डिटेल विटेल एंटर करो और आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, 9200 की फीस पे करो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फाउंडेशन। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको कहीं इंस्टीट्यूट जाना नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराने, सब कुछ ऑनलाइन है। आपकी फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेंगे, आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th का एडमिट कार्ड लगेगा आपका, देन आपका वो लगेगा आधार कार्ड लगेगा, ये सब चीजें लगेंगी और आपका रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाएगा। 9200 की फीस लगेगी आपकी, वो पे करोगे आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा आपको। दैट मींस आईसीआई की वेबसाइट पे गए, एक एसएसपी पोर्टल मिलेगा आपको, एसएसपी पोर्टल पे जाओगे, अपनी डिटेल्स ऑनलाइन फिल करोगे, देन आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाएगा 9200 की फीस पे करके। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे ना
कुछ दिन बाद आपको आईसीआई की तरफ से एक मेल आएगा, एक मेल आएगा, मेल होगा आईसीआई के सीडीएस पोर्टल से। उस मेल में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे और अपनी बुक्स को ऑर्डर कर देना। उस मेल में क्लिक करोगे और अपनी बुक्स को आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, फिर आपके एड्रेस पे हफ्ते भर के अंदर अंदर बुक्स आ जाती है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस। तो ये आईसीआई की बुक्स, आईसीआई से इस 9200 की फीस में ही सब कुछ मिल जाता है, आपको अलग से बुक्स का कुछ पे नहीं करना होता। ठीक है, तो ज्यादा वेट ना करते हुए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपकी प्लानिंग है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लो, बुक्स वगैरह आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, नाउ अब हमारी क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, हमारी क्लासेस किस तरीके से चलेंगी। देखो जी, क्लास स्केड्यूल, देखो अभी तो हमारे पास डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं, मतलब डेमो लेक्चर्स बोलते डेमो लेक्चर्स हैं लेकिन हमारा लेक्चर वन ही है ये। ठीक है, लेक्चर वन ही है, तो हमारा अभी तो धीरे धीरे एक एक करके चलेगा। ठीक है, और जो टाइमिंग्स अभी हमारे चल रहे हैं वो 10 बजे या 11 बजे के आसपास होगा, वो आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे, आपने ज्वाइन कर ही रखा है तो आपको मैसेज आ जाएगा किस दिन कौन सी क्लास कितने बजे है। अभी तो इस तरीके से चलेगा, लेकिन जब एक प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा तो आपके जो टाइमिंग रहेंगे वो 8:30, मतलब आपका मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, सॉरी 10:30 बजे तक मैथ्स की क्लास रहेगी, देन 11 से 12:30 तक आपकी लॉ की क्लास रहेगी MWF। ठीक है, तो 8:30 से लेकर 12:30 तक टीटीएस क्या होगा, 9:30 बजे से लेकर लगभग 10:45 तक इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी, और 11:00 बजे से लेकर 12:30 या मे बी 1:00 बजे तक आपकी अकाउंट्स की क्लास रहेगी। मतलब मैं आपको कब मिलूंगा, मैं आपको टीटीएस में 11 से 12:30, 1 बजे के आसपास मिलूंगा। सर हर एक क्लास ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे की होती है, एवरेज बोला है मैंने 1.5 घंटे की होती है, क्योंकि देखो जो लॉ होता है और जो इकोनॉमिक्स होता है इनकी क्लास कई बार 1.5 से कम भी होती है, 1.25 घंटे में भी ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन एज कम्पेयर टू मैथ्स और अकाउंट्स इनकी क्लास कई बार 1.5 की बजाय 2 घंटे की भी चली जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल है, टाइम लगता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम लग सकता है, तो 1.5 से 2 घंटे भी पहुंच जाती है इनकी क्लास। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मैंने आपको बोला कि 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, डेली क्लासेस होती है, हर एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स। अगर सितंबर अटेम्प्ट होता है, हो सकता है ये ड्यूरेशन बढ़ानी पड़े, ड्यूरेशन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई हमें कोर्स फिर खत्म करना है ना। सर कोर्स हमारा कब तक खत्म हो जाता है, कोर्स कंप्लीशन हमारा ऑन एन एवरेज 4 महीने का टाइम तो हमें लगता ही लगता है। मतलब आप मान के चलो अभी आपने शुरू करा और मान लो और हफ्ते भर के अंदर अंदर प्रॉपर तरीके से शुरू होता है, तो आप मान के चलो मई जून जुलाई अगस्त, मतलब मिड ऑफ द अगस्त तक यू आर डन विद द कोर्स, सेप्टेम्बर के लिए बता रहा हूं मैं, सेप्टेम्बर अटेम्प्ट के लिए, और फिर आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीना बचेगा, सेप्टेम्बर में एंड में ही एग्जाम होगा, तो आपके पास 1 महीना बचेगा। हम कोशिश करेंगे कि मिड ऑफ द अगस्त, वैसे थोड़ा सा लेट ही है, हम कोशिश करेंगे कि इसको एंड जुलाई तक निपटाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगर एंड जुलाई नहीं हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हम इसको खत्म करेंगे। मिड अगस्त तो मैंने एक बहुत लेटर केस में आपको बताइए डेट, कोशिश रहेगा हमारा एंड ऑफ द जुलाई या फिर स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर सेप्टेम्बर अटेम्प्ट, फिर उसके बाद सो दैट आपके पास ज्यादा टाइम बचेगा, 1.5 महीने का टाइम बचेगा, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे आप, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, इनका टाइम मिल जाएगा। और इनकेस एग्जाम होते हैं दिसंबर में, अभी नोटिफाई नहीं होता, दिसंबर में चलते हैं, तो हम ये 4 के बजाय थोड़ा सा आराम से हो जाएंगे और हम इस कोर्स को 6 महीने तक निपटा लेंगे, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब हम कोशिश करेंगे कि आपका अक्टूबर के मंथ में सिलेबस ओवर हो जाए। ठीक है, मिड ऑफ द अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कराएंगे, फिर सो दैट आपके पास 2.5 से 3 महीना, अक्टूबर बचेगा आधा, नवंबर बचेगा, दिसंबर के भी एंड में एग्जाम होगा, तो आपका 2 महीने तो इफेक्टिवली बचेंगे सेल्फ स्टडी के लिए। तो सर जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, क्या उस टाइम पे हमें कोचिंग में आना होगा, आना है, क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद हम रिविजन भी कराएंगे। ठीक है, तो रिवीजन वगैरह भी होंगे, तो रिवीजन होंगे, टेस्ट होंगे, तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो हम अपनी जो क्लासेस हैं, जो हमारा कोर्स होगा वो कोर्स तो होगा ही होगा, प्लस रिवीजन्स होंगी, देयर विल बी लॉट ऑफ रिवीजन्स, रिवीजन्स का बहुत बड़ा रोल है। अब रिवीजन क्या होती है, रिवीजन ऑनलाइन भी हो सकती है, जैसे रिवीजन क्या होती है ना, अब
मान लो 1 घंटे की रिविजन करानी है, तो 1 घंटे की रिविजन के लिए मैं आपको बुलाऊंगा थोड़ी ना, मैं ये बोलूंगा कि भाई आ जाओ ऑनलाइन और रात को रिविजन करेंगे। जैसे हमने रात को रख लिया 9 से 10 का टाइम, कि रात को 9 से 10 अकाउंट्स रिवाइज करेंगे एक चैप्टर, ऐसे मैथ्स का रख लिया, लॉ का रख लिया, इकोनॉमिक्स का रख लिया, तो ऐसे रिविजन करेंगे, कहीं अर्ली मॉर्निंग का हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा टाइम में चलेगा, इसके लिए 1-1 घंटे के लिए आपको बुलाना कोई फायदा नहीं होगा, रिविजन होगा, ठीक है। रिविजन कराएंगे हम अपनी तरफ से, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, देर विल बी लॉट ऑफ टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे टेस्ट होंगे। चैप्टर खत्म हुआ, टेस्ट, दो चैप्टर खत्म हुए, दो चैप्टर का कंबाइंड करके टेस्ट, एक तो ये होंगे। फिर उसके बाद आपका एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलेगी, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका प्रॉपर टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें आपका, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो मैं 7 से 8 टेस्ट ले लेता हूं प्रॉपर, चैप्टर वाइज तो है जो चल रहे वो चलते चले जाएंगे, लेकिन 7-8 टेस्ट आपके अकाउंट्स के हो जाते हैं, ऐसे हर सब्जेक्ट के 7-8 टेस्ट में क्या होगा, देखो 4 टेस्ट तो मैं आपके ले लेता हूं 25% सिलेबस के, मान लो 20 चैप्टर हैं तो 5-5 चैप्टर्स के मैंने टेस्ट बना दिए 25-25% सिलेबस के, 4 टेस्ट तो वो हो गए, ये सिलेबस खत्म होने के बाद की बात है, और 3 टेस्ट आपके मॉक हो गए 100% सिलेबस के, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में चलेगा आपका, कुछ मिक्स हो गया होगा, कुछ आपका मॉक होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में, जैसे इकोनॉमिक्स है, हो सकता है इकोनॉमिक्स में 7-8 टेस्ट ना हो फुल, हो सकता है वहां पर 4-5 ही टेस्ट हो, 3 टेस्ट फुल हो गए और 2 टेस्ट आधे आधे सिलेबस के हो गए। मैथ्स में इससे ज्यादा भी हो सकता है, वहां टेस्ट की ज्यादा नीड है, प्रैक्टिस की ज्यादा नीड है, तो मैथ्स में हो सकता है 10 से 15 टेस्ट हो जाए। लॉ में भी इतने ही चलते हैं, 7-8 टेस्ट तो लॉ में भी चलती है। तो टेस्ट का फाउंडेशन लेवल में बहुत बड़ा रोल है, जो भी सेल्फ स्टडी के लिए प्लानिंग कर रहा हूं मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कर लो सेल्फ स्टडी, लेकिन टेस्ट देना जरूर, बिना टेस्ट के बात नहीं बनेगी, क्योंकि सिलेबस आपका 60% 70% सिलेबस आपका पढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो, इंस्टीट्यूट के पैटर्न में, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो पैटर्न में आप कंफर्टेबल हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे, उसके लिए टेस्ट देने पड़ेंगे आपको, तो टेस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो ये क्लासेस का शेड्यूल हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूं, दैट इज योर अकाउंट। ये तो मैंने जनरल बात कर ली पूरे सिलेबस के बारे में, अब मैं अपने पेपर की बात करता हूं। पेपर नंबर 1, पहला पेपर, दैट इज योर अकाउंटिंग। पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, ठीक है। अब अकाउंटिंग का क्या हिसाब किताब है, 100 मार्क्स का पेपर है। सर देखो, पेपर पैटर्न अभी जून में पहला अटेम्प्ट होगा, तब मुझे एग्जैक्ट पेपर पैटर्न पता लगेगा। अभी तो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट भी रिलीज नहीं करा जून वाला, अगर मॉक टेस्ट हो जाता तो मेरे को उससे पता लग जाता, लेकिन अभी कुछ भी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी एनालिसिस के हिसाब से एक ड्राफ्ट पेपर पैटर्न बना रखा है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहां से आप लिखना शुरू कर सकते हो, जो आपको लिखना है वो अब लिखना शुरू कर सकते हो आप। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, देखो जी, सबसे पहले बात करी जाए कि सर बुक्स, हमें कौन सी बुक रेफर करनी है। एक तो आईसीआई स्टडी मटेरियल तो है ही, आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो आएगा ही आएगा आपके पास, प्लस एक मैं भी आपको अपनी बुक दूंगा, ये एक बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक टाइप है, क्वेश्चन बैंक जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। इसमें सारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के क्वेश्चंस कवर्ड है, आरटीपीस मॉक टेस्ट पेपर कवर्ड है, आपका अकाउंट्स का पेपर पुराने कोर्स में जो होता था, बहुत सारे चैप्टर तो सिमिलर ही हैं, तो वो सारे चैप्टर के क्वेश्चन मैंने पास्ट एग्जाम्स के, पास्ट आरटीपीस के, वो भी डाल दिए यहां पर, ठीक है। मतलब आपको बहुत अच्छी खासी कवरेज मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए एक बुक मैंने आप लोगों के लिए तैयार करी है, ये आपके बुक है, दिस इज योर बुक जो मैंने तैयार करी है आपके लिए।
अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन, ठीक है, ये आपकी बुक है। इसमें अगर आप इंडेक्स में जाओगे, सर मैंने इसमें कुछ इनोवेशन करी है, कोई इनोवेशन नहीं करी भाई, जबरदस्ती मैं कुछ झूठी बातें करता हूँ कि मैंने कुछ ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने, बस क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया एक जगह पर, और ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आपके सिलेबस को इस तरीके से मैंने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया, ये आपका चैप्टर्स है, इस तरीके से मैंने क्या करा सिलेबस को डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये आपकी बुक तैयार कर दी। इसमें आपको एमसीक्यूज वगैरह ऐसा एग्जाम में आते नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ एमसीक्यूज भी डाले हैं। ट्रू फॉल्स आते हैं आपके एग्जाम में, तो ट्रू फॉल्स वगैरह डाल दिए मैंने, थ्योरी क्वेश्चंस डाल दिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा, चैप्टर दिखाता हूं, देखो जैसे चैप्टर उठाया मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर है, इसके मैंने ये क्वेश्चंस डाले, ठीक है, फिर इसी में थ्योरी क्वेश्चन भी डाल दिए, ट्रू फॉल्स वगैरह भी डाल दिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने कंपाइल कर दिया किसको, सारे चैप्टर्स को, क्वेश्चंस भी, ट्रू फॉल्स भी, थ्योरी क्वेश्चन भी, सब कुछ एक ही बुक के अंदर कंपाइल कर दिया। आपकी ये जो बुक बनी है लगभग 312 पेजेस की है, ठीक है, तो ये बुक मिलेगी आपको मेरी तरफ से, ऐसे हर सब्जेक्ट की आपको एक बुक मिलेगी, तो ये बुक रेफर कर दी है। तो आप कह सकते हो, यू कैन से कि सर अगर मैं आपकी बुक, मतलब अगर आप मेरी बुक पढ़ लेते हो तो आपको स्टडी मैट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं कभी बच्चे को ये नहीं बोलता कि स्टडी मैट उठाओ भी मत, स्टडी मैट जरूर देखो, स्टडी मैट देखना चाहिए, स्टडी मैट देखने से कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं आईसीए का स्टडी मैट भी देखकर जा रहा हूं। लेकिन जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन तो मेरी बुक में हो ही गए हैं, ठीक है, तो ये बुक मिलेगी आपको, क्वेश्चन बैंक फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। जब हम एंड में रिविजन करते हैं तो रिविजन नोट्स, समरी नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो पीडीएफ फॉर्म में रहते हैं, चैप्टर वाइज एक क्विक रिवीजन नोट्स टाइप होते हैं, वो हर अटेम्प्ट में ना मैं नए ही बना लेता हूँ, कई बार कुछ चीजें ऐड लेस करनी होती है तो उसको मैं प्रिंटेड फॉर्म में नहीं देता, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में रिवीजन के टाइम पे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, ये बुक्स होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रजिस्टर्स की, सर आपको रजिस्टर वगैरह कैसे मेंटेन करने हैं, देखो आपको ना दो रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए, एक होगा आपका कॉन्सेप्ट रजिस्टर, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, और एक होगा क्वेश्चंस के लिए रजिस्टर। अब मैं कॉन्सेप्ट बहुत लिखवाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स लिखवाऊंगा, हर कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट बिल्डर का एक एग्जांपल दूंगा बेसिकली आपको कि भाई कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट बिल्डर है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग से मेंटेन करो और क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन रजिस्टर अलग से मेंटेन करो, क्योंकि जब आप एंड में एग्जाम टाइम में रिवाइज करने लगोगे और आपने एक ही रजिस्टर बना रखा है, एक तो नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो तीन चार रजिस्टर भी बन सकते हैं, और एक ही भी सब कुछ कर दिया, क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि जब आपको खाली कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो आप ढूंढते चले जाओगे, आधी चीजें मिलेंगी आधी नहीं मिलेंगी, फिर उस टाइम पे दोस्तों को मैसेज कर रहे होंगे या मेरे पास मैसेज डाल दोगे सर ये कॉन्सेप्ट भेज दो वो कॉन्सेप्ट भेज दो। पहले से ही आप क्या करो, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग से मेंटेन करके रखो, इसमें सिर्फ क्या लिखो, इसमें आप चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट लिखो विद जो मैं कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल दूंगा बिल्डर दूंगा वो कॉन्सेप्ट बिल्डर लिखो, और जो क्वेश्चंस हम करेंगे बुक के क्वेश्चंस होंगे प्लस जो मैं आपको होमवर्क में भी क्वेश्चंस दूंगा वो एक सेपरेट अलग से रजिस्टर में होने चाहिए, और उस रजिस्टर को आप उस रजिस्टर को भी बहुत प्रॉपर बनाना है, जब आप बुक में कोई भी क्वेश्चन हो ना तो क्वेश्चन पे लिख दो कि भाई रजिस्टर नंबर 1 के पेज नंबर 3 पे ये आंसर है, मान लो सेकंड रजिस्टर चला गया रजिस्टर नंबर 2 के पेज नंबर 50 पे ये आंसर है, हर एक क्वेश्चन के साथ लिखो, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, टाइम बचाना सीखो, करें कभी 12th क्लास में ऐसा, करते हैं कुछ बच्चे करते भी हैं, थोड़ा लिख लेते हैं कि भाई इंडिकेशन ये आंसर यहां मिलेगा ये आंसर यहां मिलेगा, इससे टाइम बचता है, स्मार्ट स्टडीज है टाइम बचाने की, स्मार्ट टेक्निक्स है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग बनाना और एक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए एक अलग रजिस्टर बनाना जिसमें क्लास वर्क भी होगा जिसमें ही होमवर्क होगा,
एक ही जगह पर आपकी सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, ओके। आपको क्लासेस में जब भी आओगे, अकाउंट्स की क्लास में जब भी आओगे, तो आपको कुछ चीजें कैरी करनी है। एक तो वही बुक होगी जो मैं बुक दूंगा आपको, ये बुक कैरी करनी है। ठीक है, स्टडी मैट जब मैं मंगाऊंगा तब लेके आना है। वैसे स्टडी मैट की इतनी नीड नहीं होगी क्योंकि मैं यहीं पर ही खोल दूंगा स्टडी मैट। ठीक है, तो स्टडी मैट मैं कैरी नहीं कराऊंगा, बहुत हैवी हो जाएगी चीजें। दोनों रजिस्टर कैरी करोगे, बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन वाला भी। कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में, कैलकुलेटर इज अलाउड। ठीक है, तो कैलकुलेटर ले लेना। एक तो होता है ये कैलकुलेटर, सिटीजन कैलकुलेटर, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है। बेटर क्वालिटी का कैलकुलेटर लो, कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर आएगा, MJ12D करके आता है कैलकुलेटर। है भी किसी के पास कैलकुलेटर? नहीं है। हाँ, MJ12D है। यस, तो कैलकुलेटर खरीदना कौन सा? सर कैसियो कंपनी का MJ12D देख लेना, जिसके अंदर ना ग्रैंड टोटल का फीचर हो, GT का फीचर होना जरूरी है, क्योंकि ये GT वाला फीचर जो है आपको मैथ्स में बहुत काम आएगा। GT वाला फीचर अब आपको देखना पड़ेगा एक बार। हाँ है, MJ12D में ही है, MJ12D ही है, इसमें GT वाला फीचर है, तो ये GT वाला फीचर आपका मैथ्स में काम आएगा। थोड़ा महंगा तो होता ही है, आई थिंक 500-600 रुपए तक का होगा ये कैलकुलेटर, ये खरीद लेना। लेकिन ये बहुत ड्यूरेबल कैलकुलेटर है, एक बार आपने खरीद लिया तो आपकी पूरी CA निकाल देगा एक अकेला कैलकुलेटर। ये हल्के होते हैं, GT वाला फीचर इसमें भी है, लेकिन ये बहुत हल्के होते हैं, ये कैलकुलेटर गिरता होता है। ठीक है, ये गिरेगा, ये गिरते टूट जाएगा, वो गिर भी गया चाहे आपको कितनी भी ऊंचाई से गिरते होगे, वो टूटने वाला नहीं है, बहुत सॉलिड होता है वो। तो ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, ब्लैक बॉल पेन आपके पास होना चाहिए। सर ब्लैक बॉल पेन क्यों? आपको सब्जेक्टिव पेपर ब्लैक बॉल पेन से ही करना है, ऐसे की इंस्ट्रक्शंस है। मतलब सर ब्लू पेन खत्म, यस, अब आपके लाइफ से ब्लू पेन खत्म, अब आपको क्या यूज करना है? ब्लैक बॉल पेन। CA के एग्जाम्स में ब्लैक बॉल पेन चलता है। ठीक है, तो आपको ब्लैक बॉल पेन यूज करोगे, ब्लू पेन से करोगे तो पेपर इवेल्युएट नहीं होगा। तो आदत अभी से ही डालो ब्लैक बॉल पेन से लिखने की। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉल पेन आपके पास होना चाहिए। अकाउंट्स है तो स्केल पेंसिल चाहिए, अकाउंट्स है तो स्केल पेंसिल चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे स्केल पेंसिल, मुझे नहीं चाहिए। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको फॉर्मेट बनाने के लिए स्केल पेंसिल की नीड पड़े, नहीं, इतना टाइम भी नहीं होगा, पेपर लेंथी होता है अकाउंट्स का, छूटता है बच्चों का पेपर, तो स्केल पेंसिल के चक्कर में और टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आदत डालो किसकी? फॉर्मेट बनाना है, ब्लैक बॉल पेन से ही लाइंस बनानी शुरू करो। शुरुआत में आपका अनटाइडी सा लगेगा, आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनेंगी, लेकिन आदत डाल लोगे ना एग्जाम तक तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, आंख बंद करके भी सीधी लाइन डल जाएगी आपकी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो स्केल पेंसिल आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे कभी कोई दिख गया बच्चा स्केल पेंसिल यूज कर रहा है तो मैं तुरंत ही टोक देता हूँ, भाई कल से मत लाना, ब्लैक बॉल पेन से ही करना। ठीक है, नाउ अब आता है सिलेबस। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी बुक में ही आपको सिलेबस दिखाता हूं। ये सिलेबस है आपका, टेबल ऑफ कंटेंट्स। दिस योर सिलेबस। पहला चैप्टर आपके पास है थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ोगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन जो आपने क्लास 11th वगैरह में भी पढ़ा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानोगे। तो ये अकाउंटिंग थ्योरी है, थ्योरी भी आती है एग्जाम में, लगभग 8-10 नंबर की थ्योरी आ जाती है।
ठीक है, तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क का एक चैप्टर बनाया, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इसके लिए मैं रेफर करूंगा आईसीआई स्टडी मटेरियल की, कुछ लिखना नहीं है, लिखने में बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, हम आईसीआई स्टडी मैट से थ्योरी पढ़ेंगे। एंड में जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो मैं आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन दूंगा, बस वही थ्योरी क्वेश्चन पढ़ के चले जाओगे, तो आपके दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे थ्योरी के, तो वो दो क्वेश्चन आपको उन्हीं क्वेश्चन में मिल जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे पहले सारा, लेकिन बाद में आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा कि ये पढ़ लो, काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अच्छा, थ्योरी ये सारी आपने 11th क्लास वाली है मोर लेस, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, नई चीज होंगी, बाकी मोर लेस 11th क्लास में अगर आपने बच्चे पढ़ते तो है नहीं थ्योरी, लेकिन अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसको लगेगा कि हाँ ये चीजें मैंने पढ़ रखी है। फिर आता है आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, इसको मैंने तीन यूनिट्स में डिवाइड किया, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस जो आपने 11th क्लास में पढ़ा, सर वही चीज है बिल्कुल, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, अगेन 11th क्लास में पढ़ा होता है, कैश बुक बनानी सीखी होगी आपने, सब्सिडरी बुक्स 11th क्लास में ये भी सीखी हो, तो ये डाला मैंने, तीन यूनिट्स में इसको डिवाइड किया। फिर एक चैप्टर आएगा आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होता है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर यहां पर आपको पढ़ना है, यहां पर इंपॉर्टेंट है चैप्टर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी आप 11th में पढ़ के आते हो। इन्वेंट्रीज, ये न्यू है, सुना तो बहुत होगा इन्वेंट्री के बारे में, स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेकिन ये इन्वेंट्रीज इसका चैप्टर बना दिया, यहां पर हम कुछ सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में, किसके बारे में, वैल्यूएशन के बारे में। अच्छा, वैल्यूएशन की जब भी मैं बात करूंगा ना, तो हम थोड़ा थोड़ा ना अकाउंटिंग, मैं आपको ना क्या करूंगा, ऐसा आपके कोर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट में जब आप जाओगे तो आपके कोर्स में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो पूरा कोर्स ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है, तो मैं आपको यहीं पर ही फाउंडेशन लेवल से ही थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज देनी शुरू कर दूंगा। हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट बात नहीं होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस चीज के ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, थोड़ी बहुत बातें, जैसे यहां पर जब हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री सीखेंगे, यहां पर मैं बहुत सारी बातें आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू होता है हमारा AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दूंगा यहां पर, ठीक है। एक आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये भी आपने 11th पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन तो सुना ही होगा, अमोर्टाइजेशन एक नई चीज है, इनटेंजिबल एसेट्स पे जो उनकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में जब बात करूंगा तो मैं आपको कुछ बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की बताऊंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और अमोर्टाइजेशन में AS 26 की बातें बताऊंगा, इनटेंजिबल एसेट्स सीखेंगे। एक चैप्टर पढ़ोगे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से, इस पे एक नया टॉपिक है जो आपने 11th क्लास में छोड़ दिया होगा, अब मुझे नहीं पता पढ़ा या नहीं पढ़ा हुआ। एकोमोडेशन बिल्स पढ़ा था या छोड़ दिया था, एकोमोडेशन बिल्स होता था नहीं होता था, आई थिंक होता ही नहीं था, अगर होता भी तो स्कूल वाले शायद कटवा देते थे, कोई मत करना, वो यहां पर पढ़ना, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, ये भी आप 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ट्रेडिंग PNL बैलेंस शीट बनाना। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आ जाता है एक, ये शायद आपके लिए न्यू हो सकता है, ठीक है। एक ये फाइनल अकाउंट्स हो गया। फिर आपके पास आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट से NPO भी बोल देते हैं, ठीक है, ये भी न्यू है, ये पहले हुआ करता था 12th वगैरह में, अब तो नहीं होता ना ये, ठीक है, तो अभी आपके लिए न्यू है, ठीक है, बट ये आसान है, मतलब जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ लोगे तो NPO भी आपका हो जाता है, इजी, कोई दिक्कत नहीं आती। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये आई थिंक होता है, सिंगल एंट्री वगैरह होता है, सिंगल एंट्री थ्योरी में था, तो आपके लिए मैं कह सकता हूँ न्यू ही है, फिर न्यू है तो इसको देखेंगे हम थोड़ा ढंग से। पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बहुत डीप में अच्छे से बच्चे 12th में पढ़ के आते हैं, लेकिन देखो वहां पर जो पार्टनरशिप पढ़ते हैं और यहाँ पर जो पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना, अप्रोच अलग है, क्योंकि वहां जो हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट, वहां पर इतना कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते, वहां पर आपको फॉर्मेट पता होता है कि भी रीवैल्यूएशन बना लो, कैपिटल अकाउंट बना लो, बैलेंस शीट बना लो, ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट कर लो, हो गया काम, गुडविल के एडजस्टमेंट कर लो या एंट्रियां डाल लो, काम खत्म। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट में लेके जाऊंगा कि कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक से काम करेंगे यहाँ पर,
क्वेश्चन कहीं भी कुछ भी आ सकता है ना, तो आपको तो लॉजिक से चलना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसमें आप थोड़ा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में देखोगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, एलएलपी हो गया, ये नहीं होगा, एलएलपी वाला पोर्शन ये नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन डिसोल्यूशन तक तो आपने 12th क्लास में पढ़ा ही पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी 12th वाली है, लेकिन अब यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चलेंगे। फिर उसके बाद कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में आपका आ जाएगा इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, अगेन आपने 12th में पढ़ाई हुआ है। इशू ऑफ डिबेंचर्स 12th में पढ़ाई हुआ है आपने, ठीक है, बातें मोर ऑर लेस सेम ही है। बोनस इशू, राइट इशू, ये नया है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नया है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नया है, तो ये तीन न्यू है। ये इन्होंने इंटर से उठा लिए, पहले ये ओल्ड कोर्स में सीए इंटर में होते थे टॉपिक्स, ये इंटर से उठाए इन्होंने। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, जिसको मैंने 12 चैप्टर्स में, हर एक चैप्टर में कुछ यूनिट्स बनाकर मैंने डिवाइड किया। अगर आप इसको वैसे नंबर ऑफ चैप्टर बना दो हर एक यूनिट को, तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स है, 24 चैप्टर्स है, लेकिन मैंने उसको 12 चैप्टर्स सब में सब यूनिट्स बना बना के डिवाइड कर दिया। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है। मेरी अप्रोच हमेशा पढ़ाने की क्या रहती है, कॉन्सेप्चुअल रहती है। मैं कभी भी आपको देखो चीजें रटवाऊंगा नहीं, रटने के भी तरीके होते हैं कि भाई एंट्रियां रट लो, ये एंट्री कर लो, ऐसे एंट्री होनी है, ऐसे एंट्री होनी है, नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हमारा जो फंडा रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्चुअल। हमें पूरा 100% कोर कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी है, हम एक भी चीज को रटेंगे नहीं, क्योंकि जहां रटे वहां फंसे, जहां रट गए वहां फंस गए। तो आपको क्या करना है, आपको चलना है कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। एक बार आपके कॉन्सेप्ट पे क्रिप आ जाएगी ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे आराम से, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट पे ग्रिप आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे आप यही बोलना मुझे कि सर कॉन्सेप्ट बताओ, लॉजिक क्या है। एक बार लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो देखो एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा भी करके आ सकता है ना, घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट पक्का है तो यू कैन डील विद दैट क्वेश्चन, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। ओके, एंड लास्ट इज योर पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न देखो, पेपर पैटर्न अगेन नॉट फिक्स्ड, क्योंकि अभी जून अटेम्प्ट होगा तब पता लगेगा पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। अभी जून अटेम्प्ट होने के बाद ही पता लगेगा, या फिर अगर एमटीपी रिलीज होता है तो पता लगेगा, लेकिन अभी कुछ एमटीपी वगैरह कुछ नहीं आया। फिर भी मैंने एक थोड़ा सा आइडिया लिया कि भाई ऐसा हो सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर वन आपका कंपलसरी होता है, यहां पर मैंने थोड़ा ओल्ड पैटर्न को ही कंसिडर करते हुए बनाया ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर वन आपका कंपलसरी होता है, जिसके तीन पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए इज ट्रू फॉल्स, पार्ट ए इज ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स आपके लगभग 12 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, 6 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स ईच। बी इज योर थ्योरी, एक थ्योरी क्वेश्चन डालेगा वो 4 नंबर में, और सी इज योर प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डालेगा छोटे किसी छोटे चैप्टर से 4 नंबर में। तो ये कंपलसरी है, दैट मींस आपके पास आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ सकते। दैट मींस कंसेप्चुअल नॉलेज होनी जरूरी है, तभी तो ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करोगे। थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, कंपलसरी में थ्योरी क्वेश्चन है, और छोटे छोटे चैप्टर छोड़ नहीं सकते क्योंकि एक क्वेश्चन वो भी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इन पांच में से एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ईच। इन पांच में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करते हैं, मतलब पेपर आपका लगभग 120 नंबर का आ जाता है, 120 से 125 नंबर का पेपर आता है, उसमें चॉइस वाइज हटा के आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यानी कि 2 से लेकर 6 तक में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 20 मार्क्स ईच। तो सर क्या हर एक क्वेश्चन 20-20 नंबर का आएगा क्या, ऐसा नहीं है,
अब ये 20 नंबर की बाइफर्केशन क्या है? देखो अकेला 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे पार्टनरशिप वगैरह के क्वेश्चन 20-20 नंबर में बन सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन डाल दिया। अदरवाइज बहुत फेवरेट पैटर्न है इंस्टीट्यूट का 10+10 कि दो पार्ट्स बना देगा हर एक क्वेश्चन में 10-10 नंबर के, 15+5 डाल सकते हैं, 12+8 भी डाल सकता है, और 10+5+5 भी डाल सकता है। ठीक है, तो 20 नंबर की ये बाइफरकेशन है। क्या बताया मैंने आपको, 20 नंबर का अकेला क्वेश्चन भी है, दो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 10-10 नंबर के, ये नोट करना जरूर पेपर पैटर्न। 15+5 का भी आ सकता है, 12+8 का भी आ सकता है, 10+5+5 का भी आ सकता है। ठीक है यहां तक? ये एक एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सुनना एक बार ध्यान से, जो बड़े बड़े चैप्टर है जिसमें आपका पार्टनरशिप हो गया, एनपीओ हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, और आपका इनकम्प्लीट सिंगल एंट्री हो गया, ये ज्यादातर इंस्टीट्यूट क्या करता है, बड़े बड़े चैप्टर्स को इन 4 और 5 में डालता है, जिसमें आपका पार्टनरशिप हो गया, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, और आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये 4 और 5 में डाल सकता है। दैट मींस आप अगर चाहो तो कोई भी बड़े में से एक चैप्टर छोड़ भी सकते हो। मैं एडवाइस नहीं करता कभी भी कोई चैप्टर छोड़ो, लेकिन ये है कि भाई आप ये रख सकते हो कि भी चारों में से एक चैप्टर अगर आपका थोड़ा दिक्कत भी क्रिएट कर रहा है तो एलिमिनेट हो जाएगा रिस्क। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शन है छोड़ने का। दैट मीन्स सर मुझे 4 और 5 में से ही क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 2-3 में आपके छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे, ये मत छोड़ना बिल्कुल भी, ये तो करना जरूर। क्वेश्चन नंबर जो 6th होगा ना, 6th, ये जनरली कंपनी अकाउंट से होगा, जिसमें आपके ये कंपनी अकाउंट्स वाले चैप्टर हैं, ये जो कंपनी अकाउंट्स वाले चैप्टर हैं, ये इनमें से होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत आसान चैप्टर्स हैं, वेरी इजी, शेयर्स वगैरह बच्चों को अच्छा ही लगता ही है, 12th में पढ़ते थे शेयर्स वगैरह सही लगता था, फिर ये बाकी डिबेंचर वगैरह सब आसान चैप्टर्स हैं। ठीक है, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो इनको जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोड़ो तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में छोड़ना चाहिए। इसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि देखो अगर आप सारे ही बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे तो पेपर छूटेगा ना, तो बेटर रहेगा 4 और 5 में लेंथी क्वेश्चन है जो टाइम ज्यादा लेंगे, तो उनमें से एक क्वेश्चन छोड़ना बनता है। छोटे क्वेश्चन को छोड़ोगे, सारे बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, पेपर ही पूरा नहीं होगा, तो स्मार्टली चलना पड़ेगा। ओके, ठीक है जी, बात समझ में आती है? तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। तो इस तरीके से हमें अपना काम करना है। इसको नोट कर लिया आपने पेपर पैटर्न को? ठीक है, चलो। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास से हम एक चैप्टर शुरू करेंगे। सर चैप्टर कौन सा कराओगे? देखो पहले हम लगाएंगे 1-2 क्लासेस किसके ऊपर? बेसिक्स के ऊपर। पहले 1-2 क्लासेस ना हम बेसिक्स के ऊपर लगाएंगे। बेसिक्स में आपके पास आ जाएगा जैसे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कि सर अकाउंटिंग करने के रूल्स क्या है, जिसका थोड़ा बेस भी लगा हुआ है, वो इन 2 लेक्चर में काम हो जाएगा आपका, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आपका अप्रोचेस टू अकाउंटिंग, कि सर किस तरीके से हमारी एंट्रीज वगैरह पास होती है, अप्रोचेस टू अकाउंटिंग। जब ये हो जाएगा हमारा एक बार, उसके बाद हम किसी भी चैप्टर को शुरू करा सकता हूं मैं। ये बेसिक की 2 क्लासेस पूरी होने के बाद, 2 क्लासेस लगेंगी, ये 2 क्लासेस बेसिक की पूरी होने के बाद फिर मैं किसी भी चैप्टर से करा दूंगा ना, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। चाहे मैं BRS उठा दूं, चाहे मैं डेप्रिसिएशन उठा दूं, ठीक है, चाहे मैं कंपनी अकाउंट शुरू करा दूं, कोई भी शुरू करा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन पहले 2 क्लासेस बेसिक्स। ठीक है, तो अगर आपका बेसिक वीक है तो आप ये 2 क्लासेस अटेंड करोगे तो आपका काम बन जाएगा, आपका बहुत अच्छी पकड़ आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा। नहीं तो कई बार हो सकता है आप भी कई बार कंफ्यूज होते हो कि सर
किसको कब डेबिट करना चाहिए, किसको कब क्रेडिट करना चाहिए, या एंट्री पास करने में कई बार दिक्कत आ जाती है कि सर इसकी एंट्री क्या डालू, ठीक है, तो उस दिक्कत को रिजोल्व करने के लिए आपको बेसिक्स पक्के करने पड़ेंगे। और दो क्लासेस में 3 घंटे का काम है, 2-1.5 घंटे की क्लास, 3 घंटे में आपके बेसिक पक्के हैं, ठीक है। चलो तो बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास का जो भी शेड्यूल होगा आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।